बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के तत्वाधान में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला स्तरीय परियोजना प्रस्तुतिकरण का आयोजन मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी जहानाबाद में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुमित कुमार सिंह, मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार एवं विशिष्ट अतिथि ऋचि पांडे जिलाधिकारी जहानाबाद द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। सभी अतिथियों को शाल, बुके एवं मोमेंटो से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बाल वैज्ञानिकों, मार्गदर्शक शिक्षकों, जिला आयोजन समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों, उपस्थित गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा राज्य में ही उपलब्ध हो, इसके लिए कई उल्लेखनीय कार्य राज्य सरकार द्वारा किए गए हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से सूबे के विद्यार्थियों को काफी फायदा मिला है। मंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का कार्य हो रहा है। जिला पदाधिकारी ऋचि पांडे ने कहा कि जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI संस्थान इत्यादि तकनीकी संस्थानों का लाभ विद्यार्थियों को मिल रहा है। राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं का करीब 100% क्रियान्वयन किया जा रहा है। 31वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में इस बार सभी प्रखंडों के विद्यालयों से 200 से अधिक परियोजना प्रस्तुत की गई, जो पिछले वर्ष के करीब 40 की तुलना में काफी अधिक है। स्वागतकर्ता सह मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश के बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का अनुकरण कर उन्हें वैज्ञानिक खोज की दिशा में आगे बढ़ाना है। जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का यह आयोजन मंत्री सुमित कुमार सिंह के आगमन और मार्गदर्शन से जिले के लिए ऐतिहासिक हो गया, जिससे जिले के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना के विकास को बल मिलेगा। मानस इंटरनेशनल स्कूल समूह के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देश में 1993 से हो रहा है, जहां 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे भाग ले रहे हैं, जिसका लक्ष्य है स्वास्थ्य एवं कल्याण परितंत्र को समझना। इन्होंने कहा कि जिले में ऐसे आयोजन से विज्ञान के विषय में रुचि बढ़ेगी और एक ऐसा दिन भी आएगा यहां के बच्चे वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने की। कार्यक्रम में G20 एम्बेसडर आभास कुमार, क्षेत्रीय समन्वयक सनोज कुमार, जिला समन्वयक श्रीकांत शर्मा, शैक्षणिक समन्वयक डॉक्टर उदय शंकर मिश्र, राधा कृष्ण शर्मा, सह समन्वयक पंकज कुमार सहित जिला आयोजन समिति के सदस्य, निर्णायक मंडल के सदस्य, मार्गदर्शक शिक्षक सहित बड़ी संख्या में गण्यमान्य नागरिक उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य मृत्युंजय कुमार द्वारा किया गया। मंच का संचालन ललित शंकर पाठक ने किया। जिला स्तरीय परियोजना प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन सत्र में सभी प्रतिभागी बाल वैज्ञानिकों का निर्णायक मंडल द्वारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के मानकों के अनुसार किया जाएगा। चयनित बाल वैज्ञानिकों को राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में जिला स्तरीय परियोजना प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री सुमित कुमार सिंह, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार, श्री अरुण कुमार चेयरमैन मानस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन जहानाबाद, श्री निशांत रंजन निदेशक मानस इंटरनेशनल स्कूल जहानाबाद, डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा सेवानिवृत्त प्राचार्य SS कॉलेज जहानाबाद, श्री मृत्युंजय कुमार प्राचार्य मानस इंटरनेशनल स्कूल, सभी निर्णायक मंडल काकड़ी साहब यहाँ पर विभिन्न विद्यालयों से यहाँ पर उपस्थित प्राचार्यगण, शिक्षकगण, सभी बाल वैज्ञानिक यहाँ पर उपस्थित मीडिया के सभी बंधुगण, सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। और आज के इस खुशनुमा मौसम में मैं समझता हूँ आज जो हम लोग प्रतिभा जो बिखेरी है यहाँ पे विभिन्न छात्रों ने और बाल वैज्ञानिकों ने, वो हम लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि जैसा कि आपको बताया गया कि पिछले वर्ष तक मात्र 40 परियोजनाएं समर्पित की गई थी, और इसकी जानकारी जो यहाँ पे जिला आयोजन समिति के सदस्य हैं उन्होंने मुझे दी कि मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एवं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि हम लोग जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें, और इसमें हम लोग की जो भागीदारी है सही तरीके से सुनिश्चित हो, तो इसका परिणाम है। और बहुत हर्ष का विषय है कि 200 से अधिक जो ये प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे समर्पित किए गए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि इसमें कुछ जो हमारी परियोजनाएं हैं आगे भी ये चयनित होंगी और राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो 51A में अंकित है, उसमें
जो एक स्पिरिट ऑफ जो साइंटिफिक इंक्वायरी है, एक साइंटिफिक टेंपर, इसको वैज्ञानिक मनोवृत्ति कहें, वैज्ञानिक चेतना कहें, उसको विकसित करने के लिए एक हम लोगों को निर्देश प्राप्त है। और मैं यही समझता हूँ कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है, जितने यहाँ पे उपस्थित शिक्षकगण हैं, जो शिक्षाविद हैं और साथ ही साथ जो अभिभावक, कि हम लोग सामाजिक रूप से और सामूहिक रूप से ये प्रण लें कि हम लोग सभी जो हमारे बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनमें ये वैज्ञानिक चेतना विकसित करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वैज्ञानिक चेतना, जो हम लोग साइंटिफिक टेंपर की बात करते हैं, ये उन्हीं छात्रों में होगा जो साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं या जो इंजीनियर बनना चाहते हैं या जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। साइंटिफिक टेंपर होने का मतलब है कि जो हमारी सोच है वो लॉजिकल हो, हर चीज़ को हम सही तरीके से समझें, समाज से जुड़े जो भी समस्याएं हैं उसका हम आकलन करें, और एक जो एक रुचि होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हम सभी को विकसित करना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि समाज में किस प्रकार से विभिन्न समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, और उसका जो जवाब है वो मैं समझता हूँ कि वो विज्ञान के माध्यम से और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, उसी के माध्यम से हम लोग को उनका समाधान मिलेगा। आज मानव संगठन के सभागार में 21वें बार विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, और इसमें 200 स्कूल के बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट किए हैं, और इसमें जो टॉप 10 आएगा उन्हें स्टेट लेवल पर चुना जाएगा। और इसका जो फोकल थीम था अंडरस्टैंडिंग इको सिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारितंत्र को समझ, जैसे कि हम देख रहे हैं जिस तरह से हम कैसे अपने इको सिस्टम को बचा सकते हैं। जैसे साइंस इनोवेटिव है तो पहले से जान रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया, पेड़ों की कटाई होती गई, तो कैसे हम अपने समाज को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम लोग अपने सोसाइटी को हेल्दी रख सकते हैं, तो बच्चों ने जो ज़मीनी स्तर पर डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम है उनसे बच्चों ने प्रोजेक्ट तैयार किया, और जिसे कि मंत्री जी द्वारा निरीक्षण किया गया, मंत्री जी ने सारे प्रोजेक्ट को देखा और काफ़ी सराहना की, और काफ़ी अतोत्साहित थे बच्चों के। सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देंगे और यह बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत इस देश में 1993 में हुई, और जहानाबाद में यह जो आयोजन हुआ बाल विज्ञान कांग्रेस का, ये ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक इस मामले में रहा कि इसके पहले केवल 30-40 ही प्रोजेक्ट आते थे जिला से, और इस बार गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के लगभग 400 से भी ऊपर बच्चे आए और इसमें अपनी रुचि दिखाए। और सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह जो जिला है आज न कल विज्ञान के क्षेत्र में जरूर अव्वल आएगा। आगे आने का मुख्य कारण यही है, कार्यक्रम करने का भी मानस इंटरनेशनल का लक्ष्य यही रहा कि जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उस प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना है। और प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने तो साफ साफ यही बताया था कि हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि इस देश का 2000 वर्षों का जो इतिहास है उसमें 600 वर्ष जो है दूसरे लोग राज किए, और यहाँ चाहिए विकास, विकास शांति से आएगा, शांति शक्ति से आएगा। शक्ति हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को विज्ञान में रुचि दिखाना होगा, शोध करना होगा, परियोजनाओं पर कार्य करना होगा। जब तक ऐसे कार्य हम नहीं करेंगे तब तक के मतलब हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल राष्ट्र हित में है और जिला के हित में जाता है। और मैं इसे आपको बताना चाहता हूँ कि जो मंत्री जी हैं, इसी विभाग के मंत्री जी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही, वो यहाँ आए, और आए ही नहीं, हम लोगों ने आमंत्रित किया कि अगली बार स्टेट भी कराएंगे और आप ही को चीफ गेस्ट फिर बनाएंगे। उन्होंने सहमति दिया कि मैं फिर यहाँ आऊँगा। हमारे जिलाधिकारी भी यहाँ आए और उन्होंने अच्छे हमारे बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन किए, और उनके द्वारा बताया गया जो निर्देश हुआ, सुझाव हुआ, वो निश्चित तौर पर इस ज़िले के विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। मैं 2 दशक नहीं 3 दशक मेरा स्कूल चलाने का आयु ही हो गया या अनुभव ही हो गया, और हम बताना चाहेंगे कि यह जो ज़िला है वो काफ़ी विज्ञान के क्षेत्र में उर्वरक है। एक से एक विद्यार्थी जिन्होंने आज अनुसंधान कर करके, शोध कर करके जो परियोजनाएँ प्रस्तुत किए हैं उसके प्रतिकरण का अगर ठीक से मूल्यांकन किया जाएगा तो हमको लगता है निश्चित तौर पर सरकार को इससे फ़ायदा होगा, और आगे चल करके कल्याण के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आज
मानस इंटरनेशनल के प्रांगण में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें बहुत सारे बाल वैज्ञानिक अपने अपने प्रोजेक्ट के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने उसके बारे में बताया और जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है सामग्री उसको कैसे यूज किया जाए ताकि इससे प्रदूषण से अन्य चीज़ों से बचाया जाए। जल, कुछ बच्चों ने जल के बारे में बताया कि जल को कैसे संग्रह किया जाए ताकि जल का अभाव न हो। आप देख ही रहे हैं कि इस वर्ष जल का कितना अभाव हो रहा है, लहर भागा जा रहा है, वर्षा भी कम हो रही है। इस प्रकार बच्चों ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाए और उससे विज्ञान बताया और वो एक अच्छे हो सकते हैं कि जिले के जितने भी हैं बच्चे वो बाल वैज्ञानिक के तौर पर हो सकते हैं, आगे चलकर ये वैज्ञानिक बन भी सकते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं, इसमें पूरे जिले के करीब करीब 300 से 350 स्कूलों ने भाग लिया और मैक्सिमम प्रोजेक्ट जमा किए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिले से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी राज्य के लिए, स्टेट के भी ले जाएंगे और स्टेट के बाद देश के लिए भी जा सकते। आज मानस इंटरनेशनल के परिसर में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का बच्चों ने अद्भुत प्रतिभा दिखलाई। बच्चों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए, बच्चों ने बहुत अपनी अपनी इनोवेटिव आइडियाज प्रोड्यूस किया, जैसे सिक्योरिटी अलार्म, रबर रोड, हाइड्रोलिक सिस्टम, चंद्रयान, इस रिगार्डिंग इसरो, बहुत सारे प्रोजेक्ट बच्चों ने दिया। आज मज़ा आ गया। हमारे विंग्स के करीब से 25 से 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एक से एक इनक्रेडिबल इनके पास इनोवेटिव आइडियाज थे, उनको इन्होंने प्रोड्यूस किया। आज बहुत अच्छा लगा। मानस इंटरनेशनल का हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया लगा। आज मज़ा आया। ये साइंस फॉर सोसाइटी बिहार के तत्वावधान में ये 21वीं जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आज मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जहानाबाद में हुआ और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 30 आयोजन में की तुलना में ये 21वां जो आयोजन है काफ़ी इसका लेवल बड़े स्तर पर हुआ, क्योंकि इस बार 200 से अधिक प्रदर्श आए और 400 व्यवहार वैज्ञानिकों ने भाग लिया। जिले के 100 से अधिक विद्यालयों ने, सरकारी और निजी विद्यालयों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम में उपस्थिति रही माननीय मंत्री की, डीएम जहां उपस्थित रहे और स्थानीय जो आयोजक थे मानस इंटर पब्लिक स्कूल, इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने बहुत बढ़िया आयोजन किया। ये जिले में एक मील का पत्थर ऐसा रखा गया जो भी आगे विज्ञान के क्षेत्र में विकास में फायदा करेगा और अगले साल इसी जिले में राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है, जिसका बहुत बड़ा लाभ इस आयोजन से मिलने वाला है।